औरंगाबाद क्षेत्र निवासी पीड़ित महिला भाग्यशाली ने अपने ही बेटे के ऊपर अपने मकान व दुकान पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है। जानकारी देते हुए पीड़ित ने बताया कि उनके पति और एक बेटे का देहांत हो चुका है। महिला का आरोप है कि उनके पास जो दुकान है वे उससे अपने घर का भरण पोषण करती हैं और कुछ दबंगों की नज़र उनकी दुकान और मकान पर है। कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनका बेटा पवन सैनी भी शामिल है जो दबंगों के साथ मिलकर उनकी दुकान पर कब्जा करना चाहता है। इसकी शिकायत जब पीड़ित ने पुलिस से की तो पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न होता देख हताश पीड़ित महिला ने डीएम कार्यालय आकर मदद की गुहार लगाई। क्या नाम है आपका, कहाँ रहती है? मैं औरंगाबाद रहती हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम भाग्यशीला है। ये बताइए किस किस मामले की शिकायत लेके आए थे, क्या हुआ है? मेरे से मारपीट करी थी और मेरे कट्टा रख दिया था, मुझसे बोले ज्यादा नहीं बोलेगी जान से मार दूंगा, कपड़ा ठूस दिया मुँह में और बोले बेल्ट निखारी मारने के लिए। जब मेरे बच्चे बोले नाती तो उनको भी मारा कि मेरी अम्मा मर जाएंगी, मेरी अम्मा की मत मारो। और उनने दुकान मेरी हफरी है, दुकान उन्हें रात 3 बजे आए हैं, हम सो रहे थे, पप्पू पहलवान और उनके साथ 15-20 आदमी थे चोर। वजह क्या है मारपीट करने की? दुकान छीनने हमसे। किसकी दुकान है? दुकान मेरी है, मेरे नाम है। आपकी दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं? कब्जा करना चाह रहे हैं सब। पुलिस को शिकायत की है? पुलिस से शिकायत की है। तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस गई थी, हमें लोग तो उनके प्राण बचाए के दुबके पड़े अंत कहीं। तुम्हारे बेटे का भी हाथ है? और मेरे बेटा के भी हाथ है। पवन, आपको जान से मारने की कोशिश की है? हाँ, उन लोगों ने सबने धमकी दी मारने, कट्टा निकाल लिया मेरे। कहाँ आए हैं आप लोग? हम यहाँ ऑफिस में आए हैं, डीएम ऑफिस, डीएम के ऑफिस। तो ये बताइए आपके बेटे की सेहत पर हो रहा है सब? हाँ, बेटा करवा रहा है। हाँ। आपका? रेणु सैनी। रेणु कहाँ रहती हो? नौरंगाबाद पेट्रोल पंप। ये बताइए रेणु, किस बात की शिकायत लेके आए थे, क्या हुआ है? हमारे पति नहीं है और हमारे ससुर भी नहीं है और वो हमारी दुकान और घर हड़पना चाह रहे हैं। कौन हड़पना चाहते हैं, कौन लोग हैं? पवन सैनी और पप्पू पहलवान और रोशन लाल। ये पवन हमारा बड़ा देवर है और उसी के सह पे सब काम हो रहे हैं। तो हड़पना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे ससुर और हमारे हस्बैंड खत्म हो गए हैं, हमारे बच्चों को हमें धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। दुकान पे कब्जा करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। पुलिस पे लिखित शिकायत की है? बिल्कुल करी है, हमारी सुनवाई कोई नहीं हो रही। पुलिस सुनवाई नहीं कर रही। आप आज कहाँ आए हैं आप लोग? आज हम डीएम ऑफिस आए हैं और वो हम जी कार्रवाई के लिए। जी बिल्कुल कार्रवाई हो, हमें हमारे घर मिले और हमारे बच्चों को सुकून से रहने दे रहे हैं। वो लोग बिल्कुल धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कट्टा निकाल लिया था उन्होंने, जान से मारने की धमकी दी है। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज़ इंडिया, साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।